ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है ई सी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ ए सी बी, ठीक है, और जो ई सी है, ई सी एक्चुअली में ये नहीं था इसमें, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना ये नहीं था क्वेश्चन में एग्जैक्टली, ठीक है, इतना ही पार्ट दिया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा खुद से मैंने बनाया था, ये पार्ट इतना ही था। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ई सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करो। ई सी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और सी एफ इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, सी एफ इज इक्वल टू बी सी, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मतलब मज़ा आएगा करने में। डी इज इक्वल टू जो दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है ए सी बी, ए सी बी ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें मालूम है कि ये जो है ये 40 डिग्री है, यहाँ पे ये दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि ये जो दो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, तो इनको हम एक्स और एक्स मान लेते हैं। सिमिलरली ये दो साइड्स बराबर है तो ये दो एंगल्स जो है वो बराबर होंगे, वाई और वाई हमने मान लिया। अब हम मान सकते हैं जो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जो वाई होगा टोटल 180 डिग्री होता है, 40 निकल गया और ये दोनों एंगल क्या बचेगा, 140 डिग्री बचेगा, इतना करेक्ट है। अब प्रॉब्लम हमें ये आता है कि ये कैसे निकाल लें, ये कब निकलेगा, जब यहाँ पे ये ट्रायंगल हो और ट्रायंगल का, चूँकि ये मतलब कब निकलेगा, जहाँ यहाँ पर ट्रायंगल हो और ये ट्रायंगल का दो साइड्स मालूम हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल मान के निकाल सकते हो, पर मुझे लगता है ट्रायंगल अगर माने तो इजीली निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, देखो तो यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस वाई क्या है 140, ठीक है, x प्लस वाई क्या है 140, अगर मैं इन दोनों का बात करूँ तो 140, अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूँ तो 140 होना चाहिए ना। अब होगा क्या कि हमें पता है कि ये जो होगा, ये जो जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी और एफ एंड ई, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सभी पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 360 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स को अगर आप जोड़ दो एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये एंगल हमें मालूम है, ये जो है इधर मालूम है कि 140 है, इधर ये वाला 140 मालूम है, ये वाला पार्ट ही मालूम है कि ये भी 140 है, यानी कि टोटल 280 हो गया, टोटल 280। अब यहाँ पे जो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, ये मिला के जो बोल सकते हो आप, ये दोनों को मिला के 360 होना चाहिए, यानी कि जो दोनों का सम, इसका और इसका सम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इन दोनों का सम अगर 80 डिग्री है, 80 है, तो ये सामने वाला 100 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का सम 180 होता है। ये दोनों हमें मालूम है कि 80 है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो और क्वेश्चंस आप चाहो अगर देखना, और हाँ वीडियो को ज़रूर आप लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, उससे मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा मतलब हेल्प चाहिए इस मामले में आप लोग से। आप लोग बाकी वीडियोस देखो, आपको मैं कंटेंट 100% अच्छा दूंगा, बस आप इतनी मदद कर सकते हो कि चैनल को अगर देखते हो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में।